हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट साइको टेस्ट के लिए। यहाँ पर CVT 3 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी कर दिया गया है। ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सब कुछ क्लियर हो गया था, जो छात्र दिक्कत थे, परेशान थे। बहुत से छात्रों ने तो ये कमेंट किया था, कर रहे थे कि सर अगर हम नहीं देने जाते हैं रिशेड्यूल, अगर हम किए गए हैं CVT 3 नहीं देने जाते हैं तो क्या हमारा 10/5/2019 वाला जो है वहाँ पर लागू होगा या नहीं होगा। तो वही सब इस वीडियो में भी क्लियर करूंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो RRB ने क्या आदेश दिए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ चुके हैं RRB भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आज की डेट में आप 20/5/2019 की डेट में एक नोटिफिकेशन है CN नंबर 01/2018 ALPN टेक्नीशियंस, क्लिक हेयर टू व्यू क्लैरिफिकेशन और कैंडिडेट्स रिशेड्यूल फॉर CVAT ऑन 21/5/2019। यहाँ पर दिया है कि 21/5/2019 को जो साइको टेस्ट रिशेड्यूल हुआ है और जो करवाया जा रहा है उसके बारे में क्या यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है और सामने ओपन हो चुका है। CN नंबर 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन क्लैरिफिकेशन टू कैंडिडेट्स रिशेड्यूल फॉर CVAT ऑन 21/5/2019। 21/5/2019 को जो साइको टेस्ट होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्लैरिफाई किया गया है छात्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि यू नोटिस विद इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स रिशेड्यूल ऑन अकाउंट ऑफ इमेज नॉट विजिबल वाइल आंसरिंग द रिस्पॉन्सेज इन टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 ड्यूरिंग द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CVAT वाज पब्लिश्ड ऑन 18/5/2019। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है 18/5/2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो छात्र रिशेड्यूल किए गए थे द्वारा से साइको टेस्ट देने के लिए, यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 में जिन छात्रों को इमेज की दिक्कत आई थी उनके लिए। आगे बोला गया है कि इट इज क्लैरिफाइड डेट इन केस द रिशेड्यूल कैंडिडेट्स डू नॉट अपीयर इन द CVAT ऑन 21/5/2019 देन देयर CVAT ऑन हेल्ड ऑन 10/5/2019 विल बी एवेल्यूएटेड। यहाँ पर बोला गया है कि जो छात्रों को रिशेड्यूल किया गया है 21/5/2019 साइको टेस्ट देने के लिए, वो छात्र अगर अपीयर यानी कि नहीं होते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं साइको टेस्ट, तो क्या यहाँ जो 10/5/2019 वाला जो साइको टेस्ट आपने दिया था वो लागू होगा आपका। तो छात्रों द्वारा ये बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि सर यहाँ पर बोल रहे थे कि अगर हम 21/5 को नहीं जाते साइको टेस्ट देने तो क्या हमारा 10/5/2019 वाला तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ साफ ही बोल दिया है कि अगर आप जो है साइको टेस्ट 21/5/2019 को नहीं देने जाते हैं तो आपका 10/5/2019 वाला ही इवेल्यूटेड यानी कि आपका माना जाएगा, ठीक है, कैंसिल आपका नहीं होगा जो साइको टेस्ट आपने दिया है। आगे बोला गया है कि फर्दर इज इट इज वंस अगेन इम्पेसल्ड डेट इज इन केस एनी कैंडिडेट्स हु हैव मेड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड अपीयर्ड इन द रिशेड्यूल CVAT RRB रिजर्व द राइट टू टेक appropriated एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ RRB ऑन द अकाउंट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, जो छात्र गलत रिप्रेजेंटेशन देकर उनका छात्रों का रिशेड्यूल हुआ है, ठीक है, तो वो छात्रों की यहाँ पर वार्न किया गया है कि अगर आप गलत रिप्रेजेंटेशन से अगर आप CVT 3 21 तारीख को आ रहे हैं देने के लिए साइको टेस्ट तो बिल्कुल भी मत आइएगा। अगर आप देने आते हैं और आप पकड़े जाते हैं वहाँ पर तो एप्रोप्रिएट आप पर एक्शन लिया जाएगा बिल्कुल, और जो भी एक्शन लिया जाएगा हो सकता है आपकी कैंडिडेट से रद्द कर दी जाए या कुछ और भी आपको जो है एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब वो है RRB पर डिसाइड कि RRB क्या आप पर एक्शन लेगा, वो RRB पर डिसाइड होगा, RRB ही डिसाइड करेगा इस चीज़ को लेकर, और जो भी वहाँ पर डिसीजन होगा वो आपके लिए फाइनल होगा, आपको वो मानना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें, क्या आपको टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 में इमेज की दिक्कत हुई थी या नहीं। अगर नहीं हुई हो तो बिल्कुल भी मत जाइएगा CVT 3 देने साइको टेस्ट 21 तारीख को, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन लगाकर नाम आ चुका है तब, क्योंकि वहां पर रेलवे के पास सभी डाटा बिल्कुल क्लियरली रहता है। आगे बोला गया है कि अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई थमसेल्फ डेट दे वर जेन्युइनली अफेक्टेड इन टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 कंडक्टिंग ऑन 10/5/2019 एंड देन ओनली अपीयर इन द रिशेड्यूल CVAT ऑन 21/5/2019 इन द रिशेड्यूल सेंटर। यहाँ पर बोला गया है अगर आप 10/5/2019 को देने आए थे साइको टेस्ट और तो उसमें आपको टेस्ट नंबर 4 टेस्ट नंबर 5 में जेनरली दिक्कत हुई थी इमेज की, ठीक है, तो आप जो है 21/5/2019 को आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से मत आइएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी रेलवे बोर्ड ने साफ साफ ये बोल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज की डेट का नोटिफिकेशन है 20/5/2019 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स पूरा अपडेट, आगे का अपडेट जो भी रहेगा LPU करे तो बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।